हेलो एंड वेलकम टू स्टडीज सपोर्ट टूडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अवर न्यू सीरीज ऑन एम सी क्यूज दैट इज एमसी क्यूज ऑन फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया और फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया का जो पहला चैप्टर है वो है इंडिया लोकेशन एंड साइज इसी के हम आज एमसीक्यूज करेंगे इस वीडियो में और हम वो एम करेंगे जो मोस्ट एक्सपेक्टेड हैं जो बहुत सारे एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं इस चैप्टर पे और ऐसे एमसीक्यूज जो आपके कंसेप्ट बिल्ड करेंगे और जो आपने पढ़ा होगा उन कंसेप्ट को क्लियर भी करेंगे ओके सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस एम सी क्यूज ऑन इंडिया लोकेशन एंड साइज इन दिस वीडियो देखिए पहले मैं आपको बताऊं जो इंडिया फिजिकल है मैंने पढ़ाया भी है आपको और उन सारे वीडियोस की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है वहां से आप देख सकते हैं आज हम एम करेंगे सो तो पहला चैप्टर जो है वो है लोकेशन एंड साइज और दूसरा है फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया तीसरा है क्लाइमेट ऑफ इंडिया और फोर्थ वन इज ड्रेनेज देन नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ फिफ्थ चैप्टर है ठीक है और ये सारे चैप्टर हम पढ़ते हैं अंडर फिजिकल इंडिया ऑफ फिजिकल फिजिकल इंडिया के अंडर हम पढ़ते हैं ओके सो तो पहला जो चैप्टर है दैट इज साइज एंड लोकेशन इसी के आज हम एम करेंगे और उसके बाद हम बाकी वीडियोस में एक एक करके सारे चैप्टर्स के एम करेंगे ओके सो इंडिया लोकेशन एंड साइज के जो एम हैं इसके जो सब टॉपिक्स हैं पहले हम देखेंगे जो एरिया है इंडिया का उस उसपे जो एम आए हैं और आज हम वही एम करेंगे उसके बाद लैटिट्यूडनल एक्सपेंशन देन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर देन एक्सट्रीम पॉइंट्स उसके बाद स्टैंडर्ड टाइम और बॉर्डरिंग कंट्रीज ये सारे जो सब टॉपिक्स हैं इन सब पे हम आज एम डिस्कस करेंगे ओके सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस द ऑन एरिया ऑफ इंडिया सो क्वेश्चन नंबर रीड्स इंडिया रैंक इन एरिया दीज द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड ओके सो ये आप देख सकते हैं कितने एग्जाम्स में आया है तमिलनाडु पी एस सी में आया है झारखंड पी एस सी में आया है और रिसेंटली ये एग्जाम्स में आए हैं प्रस के जो एग्जाम्स हैं उनमें आए हैं सो so, इंडिया का क्या रैंक है इन एरिया में सो आंसर इज इंडिया इज द सेवंथ लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड ओके देखिये मैं आपको दिखाता हूं फर्स्ट है रशिया द फर्स्ट जो है एरिया में दुनिया की जो कंट्री है दैट इज रशिया देन कैनेडा ओके देन चाइना ओके और देन यूएसए कहीं पर आप यूएसए थर्ड नंबर पे और चाइना आप फोर्थ नंबर पे देखोगे ठीक so, है सो इसमें कंफ्यूजन है अब इसमें कंफ्यूजन कुछ नहीं है चाइना बहुत सारा एरिया अपने साथ दिखाता है और यूएसए उसको एक्सेप्ट नहीं करता है सो थर्ड इज चाइना फोर्थ इज यूएसए फिफ्थ इज ब्राजील सिक्स्थ इज ऑस्ट्रेलिया एंड देन इज इंडिया इंडिया इज द सेवंथ लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड ओके देखिए इंडिया इज द सेवंथ लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड ये मैंने आपको बताया है अब जो इंडिया का टोटल एरिया है वो कितना है दैट इज थर्टी टू लैक एटी सेवन थाउजेंड 263 स्क्वायर किलोमीटर ओके दैट इज 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है इंडिया का एरिया 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर ये आपको याद रखना है ओके okay? और ये क्वेश्चन भी आता है कभी और जो ये इतना एरिया इंडिया का इंडिया का जो है ये अकाउंट करता है रफली 0.57 परसेंट ऑफ एरिया ऑफ द अर्थ ठीक है अब अर्थ में लैंड है और अगर हम दो डिवीजंस में अर्थ को डिवाइड करेंगे लैंड एंड वाटर ओके जो हमारे ओशियंस हैं सो so, इसका जो सारा अर्थ को मिलाकर इंडिया का जो एरिया बनता है वो बनता है 0.57% और अगर हम सिर्फ लैंड का लेंगे लैंड हेमिस्फीयर लेंगे तो फिर बनता है इंडिया का एरिया 2.4% ओके okay? पूरे अर्थ का बनता है 0.57% और लेकिन अगर हम सिर्फ लैंड हेमेफियर लेंगे तो इंडिया का एरिया बनता है 2.4 परसेंट ओके सो इंडिया इज द सेवंथ लार्जेस्ट कंट्री इंडिया का टोटल एरिया है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर इंडिया का जो पूरा एरिया आता है कितना परसेंटेज है अर्थ का अर्थ के हिसाब से दैट इज 0.57 पॉइंट फाइव सेवन परसेंट एंड विथ लैंड हेमेस्टेयर अगर हम सिर्फ देखेंगे तो इट इज टू पॉइंट फोर परसेंट ओके सो दीज आर इंपॉर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग इंडिया रिगार्डिंग द एरिया ऑफ इंडिया ओके देन द लैंड मार्क्स ऑफ इंडिया हैज एन एरिया ऑफ डैश डैश मिलियन स्क्र किलोमीटर सो ये आप इजिली बता सकते हैं ये मैंने आपको अभी क्लियर किया दैट इज थ्री पॉइंट टू एट मिलियन स्क्र किलोमीटर ओके वट इज द टोटल लेंग्थ ऑफ कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया जो इंडिया की कोस्ट लाइन है उसकी टोटल लेंग्थ कितनी है आप देख सकते हैं ये एग्जाम्स में रिसेंटली पूछा गया है सो द आंसर इज बी दैट इज सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड सिक्सटीन पॉइंट सिक्स किलोमीटर ओके मैं आपको अभी दिखाता हूं देखिए इंडिया का जो ये है ये वाला पेनसुलर पार्ट है यहां के नीचे जो ब्लू लाइन आप देख रहे हो यहां से इंडिया का आता है कोस्ट लाइन क्योंकि यहां से फिर सी है यहां से अरेबियन सी है यहां से बे बंगाल और नीचे है इंडियन ओशन और इस कोस्ट लाइन की जो लेंथ है ठीक है यहां से लेके यहां तक जो आप देख रहे हो ओके ये है सिक्स थाउजेंड 100 किलोमीटर लेकिन इंडिया के दो आइलैंड ग्रुप्स भी हैं। एक है एंडोमान और निकोबार। इन बंगाल और दूसरा है लक्षद्वीप इन अरबियन सी। इन दोनों को भी अगर इनका भी हम मिलाएंगे तो ये टोटल बनता है सेवन किलोमीटर ओके अगर सिर्फ मेनलैंड इंडिया का आएगा कितना है कोस्ट लाइन तो वो है 6,100 किलोमीटर और अगर पूरा आएगा जो हमारे आइलैंड्स हैं एंडोमान और निकोबार और लक्षद्वीप हैं तो ये पूरा बनता है सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड सिक्सटीन पॉइंट सिक्स किलोमीटर ओके और इंडिया का जो फ्रंट लाइन है यानी जो बॉर्डरिंग्स हैं हमारे कंट्रीज नेबरिंग कंट्रीज के साथ वो टोटल हैं फिफ्टीन थाउजेंड टू हंड्रेड किलोमीटर ओके ये अभी क्वेश्चन आएगा आगे मैं वहां पर बताता हूं तो इन दोनों को मिला के अगर हम बताएंगे जो हमारा फ्रंट लाइन है ठीक है और हमारी कोस्ट लाइन है इन दोनों को मिला के ये बनता है ट्वेंटी टू थाउजेंड सेवन हंड्रेड सिक्सटीन पॉइंट सिक्स किलोमीटर ओके सो ये आप पेन डाउन कर लीजिएगा एक बार तो और ये कभी बहुत सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछते भी हैं और ये आपको पता भी होना चाहिए देन वट इज द नॉर्थ साउथ एक्सटेंट ऑफ इंडिया जो नॉर्थ साउथ एक्सटेंट ऑफ इंडिया है ये कितना है आप यहां फिर से देख सकते हैं ये एग्जाम्स में पूछा गया है ओके okay? सो so, जो नॉर्थ से लेके साउथ तक इंडिया की जो डिस्टेंस है वो कितनी है इट इज 3,214 किलोमीटर्स ओके मैं आपको दिखाता हूं एक स्लाइड में देखिए नॉर्थ से लेके साउथ तक जो इंडिया की डिस्टेंस है ठीक है दैट इज 3,214 थाउजेंड टू हंड्रेड फोर्टीन किलोमीटर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लाइड है ये अगर आप ये इसको एक बार पास करके यहां देख सकते हैं मैंने ये स्लाइड क्यों रखी है और इसके सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं और ईस्ट वेस्ट एक्सटेंशन जो है ये वाला एक्सटेंशन इट इज ट्वेंटी नाइन किलोमीटर ओके सो अगर आप दोनों को याद रखेंगे तो अप्रोक्सीमेटली जो थ्री किलोमीटर के आसपास हैं दोनों ठीक है जो नॉर्थ साउथ है दैट इज थ्री थाउजेंड टू हंड्रेड फोर्टीन किलोमीटर और जो ईस्ट वेस्ट है दैट इज टू थाउजेंड नाइन हंड्रेड थर्टी थ्री किलोमीटर ओके सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लाइड है आप यहां पे जितनी भी चीजें देख रहे हो ये सारी इंपॉर्टेंट है और ये अभी आगे आएंगी भी तो मैंने इसीलिए ये रखा है क्योंकि आपको ये स्लाइड फिर आगे क्लियर हो जाएगी ओके okay? दैन वट इज द विच इज द सॉरी विच इज द स्मॉलेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया कौन सी है स्मॉलेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया गोवा सिक्किम उड़ीसा तेलंगाना एंड द आंसर इज ए दैट इज गोवा इज द स्मॉलेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया सो लार्जेस्ट स्टेट कौन सी है दैट इज राजस्थान देखिये इस स्लाइड पर आपको मैं दिखाता हूं जो लार्जेस्ट स्टेट है इंडिया की वो है राजस्थान ओके उसके बाद दूसरी जो है दैट इज एम पी मध्य प्रदेश और तीसरी है महाराष्ट्र ओके फोर्थ वन इज उत्तर प्रदेश उसके बाद जो सबसे समोलेस्ट है आप यहां खुद देख सकते हैं इसका कितना एरिया है और उसके बाद जो सेकंड स्मोलेस्ट है दैट इज सो okay? so, राजस्थान एमपी पी महाराष्ट्र उत्तर प्रदेश ये चार बड़ी स्टेट्स हैं और सबसे छोटी है दैट इज गोवा और उससे उसके बाद सेकंड नंबर पे है सिक्किम ओके देन अब हम एमसीक्यू करेंगे ऑन लैटीच्यूडनल एक्सपेंशन पे ओके द एक्सपेंशन ऑफ इंडिया इज बिटवीन जो इंडिया का एक्सपेंशन है लैटिट्यूडल एक्सपेंशन है कितना है सो so, कौन सा है इट इज आंसर डी इज द आंसर दैट इज 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ टू 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ ओके मैं आपको दिखाता हूं ये आपको क्लियर हो जाएगा देखिए जो नॉर्थ टू साउथ लैटिट्यूडल एक्सपेंशन है इंडिया का ठीक है यहां देख लीजिए ये है थर्टी सेवन डिग्री सिक्स मिनट्स नॉर्थ ये आपको लिखना है एक बार ओके और जो लैंड है इंडिया का अगर यहां पे देखें कन्याकुमारी के पास इट इज एट डिग्री फोर मिनट्स नॉर्थ ओके और लेकिन अगर हम पूरा हम देखेंगे अंडोमान और निकोबार को लेके तो यहाँ पे एक पॉइंट है उसको बोलते हैं इंदिरा पॉइंट ठीक है दैट इज द साउथ मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया सो उसका जो लैटिट्यूड है दैट इज सिक्स डिग्री सेवन मिनट्स नॉर्थ ओके सो ये दोनों साउथ ऑफ ले सकते हो लेकिन अगर मेन मैनलैंड पे क्वेश्चन आएगा तो दैट इज एट डिग्री फोर मिनट्स नॉर्थ और अगर पूरे इंडिया का हम देखेंगे तो दैट इज सिक्स डिग्री जो हमारा एंडोमान और निकोबार आइलैंड है इसको लेके तो दैट इज सिक्स डिग्री सेवन मिनट्स नॉर्थ ओके और जो नॉर्थ है हमारा दैट इज जो जे एंड के में है दैट इज थर्टी सेवन डिग्री सिक्स मिनट्स नॉर्थ ये आप एक बार नॉर्थ वाला ओके okay, और साउथ वाला ये आप एक बार पेंड डाउन कर लीजिएगा ओके okay? और उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ ईस्ट वेस्ट लॉन्गिट्यूटनल एक्सपेंशन देखिए ईस्ट पे क्या है सिक्सटी यहाँ पे देख लीजिए आप जो वेस्ट साइड में है दैट इज सिक्सटी एट डिग्री सेवन मिनट्स ईस्ट ओके ये वेस्ट में है हमारा जो यहाँ पे लॉन्गिट्यूटनल एक्सपेंशन और उसके बाद यहां ईस्ट में है 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट ओके सो so अगर आप रफली देखेंगे जो ये लैटीट्यूडल लॉन्गिट्यूडल एक्सपेंशन है इंडिया का ये ऑलमोस्ट 29 डिग्री और 30 डिग्री है ऑलमोस्ट क्योंकि 29 डिग्री से ज्यादा है ठीक है और अगर हम लॉन्गे लैटिट्यूडल एक्सपेंशन देखेंगे तो वो भी है ऑलमोस्ट थर्टी डिग्री ओके सो so लेकिन ये चारों जो पॉइंट्स हैं ये नॉर्थ वाला पॉइंट है ठीक है ये साउथ वाला है साउथ में दो मैंने आपको बताए और ये वेस्ट वाला है और ये ईस्ट वाला है ये आपको सारे पता होने चाहिए ओके लैटीट्यूड लॉन्गट्यूड एक्सपेंशन ओके, ये सारे पॉइंट पेन डाउन एक बार कर लीजिएगा इज द साउथ मोस्ट लैटिट्यूड ऑफ इंडियन लैंड सो कौन सा है साउथ मोस्ट इट इज द एट डिग्री फोर मिनट्स नॉर्थ ठीक है देखिए एट लैंड इंडिया की जब बात होती है इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन भी रखा है थोड़ा सा आपको क्लियर हो जाएगा सो so, लैंड की जब बात होगी तो एट डिग्री फोर मिनट्स नॉर्थ इज द साउथ मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया और अगर पूरे इंडिया की बात होगी तो फिर एंडोमानो निकोबार आयलैंड में जो इंदिरा पॉइंट है वहां पे है सिक्स डिग्री सेवन मिनट्स नॉर्थ ओके सो लैंड की अगर सिर्फ मैन लैंड की बात होगी तो ये है साउथ मोस्ट पॉइंट और अगर पूरे इंडिया की तो दिस इज द साउथ मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया ओके देन उज टेन okay? the में सो so इसलिए मैंने ये क्वेश्चन रखा है सो so, जो लैटिट्यूड सिक्किम के थ्रू पास होता है ये बोलता है की वो लैटिट्यूड कहाता है और मैं आपको मैप के जरिए दिखाता हूँ इट इज द राजस्थान ओके सो so, इस क्वेश्चन का यही मतलब है कि आप अच्छे से जब भी इंडिया को देखेंगे इंडिया का मैप तो अच्छे से इसको रीड कर लीजिएगा दिस इज द सिक्किम ओके और सो so, जो लैटिट्यूड यहाँ से पास होगा वो राजस्थान के थ्रू भी पास होगा जे के इसके ऊपर है ओके okay? पंजाब इसके ऊपर है हिमाचल प्रदेश इसके ऊपर है ठीक है अगर यहाँ महाराष्ट्र तो बहुत नीचे हैं तमिलनाडु तो ऑब्वियसली है ही ठीक है सो so, यहाँ पे इस क्वेश्चन का यही मतलब है इंडिया का जो मैप है वो आप अच्छे से देखा कीजिएगा जब भी आप इसको रीड कर लीजिएगा अच्छे से इसको रीड कर लीजिएगा ओके नाउ वी विल डिस्कस द एमसी क्यूज ऑन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्योंकि इसपे बहुत सारे एमसीक्यूज आते हैं एग्जाम्स में देन क्वेश्चन नंबर टेन इज द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस फॉलोइंग स्टेट्स ओके और ये यूपी उत्तर प्रदेश का जो पी एस सी है उसमें आया है टू थाउजेंड सेवनटीन में गुजरात छत्तीसगढ़ यूपी झारखंड सो किन में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है द आंसर इज ए दैट इज एक तो ये गुजरात के थ्रू पास होता है ओके okay, और छत्तीसगढ़ के थ्रू उसके बाद झारखंड के थ्रो और यूपी के थ्रू ये पास नहीं होता है ठीक है मैं आपको अभी दिखाता हूं मैप के जरिए देखिए ये जो टॉपिक ऑफ कैंसर है ये पास होता है एट स्टेट्स में पहला है गुजरात दूसरा है राजस्थान ठीक है राजस्थान का जो साउथ मोस्ट पार्ट है वहां से ये निकलता है उसके बाद मध्य प्रदेश उसके बाद छत्तीसगढ़ देन झारखंड देन वेस्ट बंगाल ओके देन त्रिपुरा और मिजोरम ठीक है ये आठ स्टेट्स हैं जहां से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है गुजरात राजस्थान के थ्रू आप याद रख लीजिएगा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कभी ना कभी किसी ना किसी एग्जाम में आता ही रहता है देखिए गुजरात और राजस्थान आप याद रख लीजिएगा इसमें तो ही आता ही है ये वेस्ट मोस्ट पार्ट है इंडिया का सो यहां से इन दोनों स्टेट्स में ये पास होता है उसके बाद मध्य प्रदेश में भी ये पास होता है और मध्य प्रदेश से ही बना था छत्तीसगढ़ सो so, इन दो में भी ये पास होता है ठीक है हो गई चार स्टेट्स फिर झारखंड ओके okay, बिहार से नहीं झारखंड से पास होता है बिहार झारखंड वॉज द पार्ट ऑफ बिहार ठीक है अभी अलग स्टेट है सो so, यहाँ से भी ये पास होता है उसके बाद यहाँ जो लास्ट तीन स्टेट्स हैं इसको मैं आपको बताता हूँ क्या आप याद रख लीजिएगा एक तो है मिजोरम त्रिपुरा और वेस्ट बंगाल एम ठीक है मिजोरम त्रिपुरा वी यानी वेस्ट बंगाल आप याद रख लीजिएगा So, आपको ये तीन स्टेट्स याद रहेंगे ओके मिजोरम त्रिपुरा और वेस्ट बंगाल एम का यहाँ यहां याद रख लीजिएगा गुजरात और राजस्थान दोनों वेस्ट मोस्ट स्टेट्स हैं ठीक है यहां से ये पास होता है फिर मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ बना था ओके इन दोनों से ये पास होता है और झारखंड से भी ये पास होता है ठीक है सो इट पासिस थ्रू एट स्टेट्स ऑफ इंडिया देन एमंग द फॉलोइंग सिटीज विच ऑफ विच

पार्ट ओके okay? और एम पी पी एस सी में ये पूछा गया है सो दर इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक्वेंटी इंटू ऑलमोस्ट टू इक्वल पार्ट ये देख लीजिए आप दिस इज दॉपिक दिस इज इक्वेटर ये आप देख रहे हो जो जीरो डिग्री लैटीच्यूड है ठीक है फिर है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और इस मै इस मैपे आप देख लीजिए ये सारे जो कंट्रीज है जो येल्लो कलर्ड uh, है यहां से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है जैसे चाइना म्यांमार इंडिया ओके okay, सऊदी अरेबिया इजिप्ट लीबिया अल्जीरिया ओके okay, और यहाँ पे मेक्सिको में भी सो so, इंडिया का अगर आप देखोगे ये ऑलमोस्ट टू इक्वल पार्ट्स में इंडिया को डिवाइड करता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ओके ये ऑलमोस्ट टू इक्वल पार्ट्स में इंडिया को डिवाइड करता है और नीचे वाला पार्ट जो है दैट इज ट्रॉपिकल पार्ट और इसके ऊपर दैट इज सब ट्रॉपिकल पार्ट ओके यहाँ पे फिर से मैं वही मैप लाऊंगा जिसपे मैंने आपको दिखाया था ये

आया है तो साउथ मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया कौन सा है देखिए अगर हम मेन लैंड इंडिया की बात करेंगे तो कन्याकुमारी है और अगर हम पूरे इंडिया की बात करेंगे जिसमें हमारे आ, जो आइलैंड्स ग्रुप्स हैं वो भी आते हैं तो फिर है इंदिरा पॉइंट ओके सो साउथ मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया इज इंदिरा पॉइंट और अगर सिर्फ मेन लैंड की बात होगी देन इट इज कन्याकुमारी ओके मैं आपको दिखाता हूं ठीक है ये है मेन लैंड इंडिया यहाँ पे जो साउदर्न मोस्ट पॉइंट है दैट इज कन्याकुमारी और अगर पूरे इंडिया की बात होगी देन इट इज द इंदिरा पॉइंट ओके सो यहाँ पे इसी स्लाइड पे आप देख लीजिए दिस इंदिरा पॉइंट इज द साउद मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया और अगर हम नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया है दैट इज इंदिरा कोल ओके सो इंदिरा गांधी से आप इंदिरा पॉइंट याद रख लीजिएगा और इंदिरा कोल नॉर्थ में है ठीक है नीचे है पॉइंट ऊपर है ठीक है, और वेस्ट की अगर हम बात करेंगे, so वेस्ट में जो है वो है गौर मोती ओके इन गुजरात और यहां पे किबूती इन अरुणाचल प्रदेश ईस्ट में ओके सो दीज आर दॉर्थ साउथ वेस्ट और ईस्ट के जो एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं वो यहाँ पे दिए हैं इसीलिए मैंने आपको बताया था जो स्लाइड है, है, है और अब आहिस्ता आहिस्ता आपको ये क्लियर भी होगा ओके मोस्ट पॉइंट इज इन ये किस में है ओके okay? तमिलनाडु में है छोटा नागपुर में है या ग्रेट निकोबार में है या कार निकोबार आइलैंड में है आंसर इज इट इज इन द ग्रेट निकोबार ओके मैं आपको दिखाता हूँ। जो एंडोमार निकोबार आइलैंड है ठीक है इस ऊपर वाला पोर्शन जो है दैट इज एंडोमार ग्रुप और नीचे वाला पोर्शन है निकोबार ग्रुप ओके और निकोबार ग्रुप में है सबसे लास्ट वाला जो आइलैंड है okay? दैट इज ग्रेट निकोबार ओके यहां पर देख लीजिए दिस इज द ग्रेट निकोबार और यहां पर है इंदिरा पॉइंट ओके देन क्वेश्चन नंबर सेवनटीन नेम द प्लेस इन इंडिया वायर बे ऑफ बंगाल अरेबियन सी एंड इंडियन ओशन मीट ओके और ये रिसेंटली पूछा गया है एग्जाम्स में सो इट इज द कन्याकुमारी इट इज द कन्याकुमारी देखिये मैं आपको दिखाता हूं दिस द मैप ऑफ तमिलनाडु और यहां पे जो साउदर्न मोस्ट पॉइंट है इंडिया का दैट इज कन्याकुमारी और यहां आप देख सकते हैं दिस इज द अरबियन सी दिस इज इंडियन ओशन और दिस इज वे ऑफ बंगाल ईस्ट में बंगाल है वेस्ट में अरेबियन सी है और साउथ में है इंडियन ओशन सो यहाँ पे ये तीनों मिलते हैं विच आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ ऑफ स्टेट्स इंडिया इंडिकेट द ईस्टर्न मोस्ट एंड वेस्टर्न मोस्ट स्टेट्स ओके आई एस प्रम्स में पूछा गया है 2015 में सो द आंसर इज इट इज द डी दैट इज अरुणाचल प्रदेश एंड गुजरात ओके अरुणाचल प्रदेश एंड गुजरात अरुणाचल प्रदेश इज द ईस्टर्न मोस्ट स्टेट ऑफ इंडिया

ओके okay, आपको मैं दिखाता हूँ इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो ये मेरेडियन है इस इसपे जो टाइम होता है ओके स्टैंडर्ड मेरेडियन है एटी डिग्री एंड हाफ ईस्ट ये है इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन और इस इसपे जो टाइम होता है उसको बोलते हैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम ओके ये लिया जाता है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ये अडॉप्ट किया गया है 1947 में और जो ग्रीनविच मीन टाइम है यूनिवर्सल टाइम जो है उससे ये साढ़े पांच घंटे आगे है ठीक है ये भी मैं आपको अभी आगे अच्छे से स्लाइड में क्लियर करूंगा और ये जो लॉन्गिट्यूड किस लॉन्गिट्यूड पे लिया गया है ये लिया गया है स्टैंडर्ड मेरिडियन पे जो इंडिया का है दैट इज 82 डिग्री एंड हाफ ईस्ट और ये पास होता है मिर्जापुर से ओके okay, इन उत्तर प्रदेश मिर्जापुर से इन उत्तर प्रदेश ओके okay, और इसका जो ऑब्जर्वेटरी है वो है शंकरगा फोर्ट अलाहाबाद डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश में ओके okay, सो so ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है अबाउट इंडियन स्टैंडर्ड टाइम देन हाउ मच इज द डिफरेंस बिटवीन इंडियन स्टैंडर्ड टाइम एंड ग्रीन विच मीन टाइम कितना डिफरेंस है इट इज प्लस फाइव एंड हाफ आवर्स ठीक है uh, plus five, uh, पांच घंटे और थर्टी मिनट्स ओके ये मैंने आपको बताया था पिछले स्लाइड में भी आप यहां देख लीजिए इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है दिस इज द ग्रीन विच ओके ये जो आप देख रहे हैं इट इज प्राइम मेरेडियन और इस पे जो टाइम है दैट इज कॉल्ड ग्रीन विच मीन टाइम और इंडिया जो है वो ईस्ट ईस्ट में आते हैं इसका ठीक है और ये इंडिया के जो या वेस्ट और ईस्ट लैटीट्यूडनल एक्सपेंशन हैं वो दिए गए हैं यहां पे और यहाँ पे 82 डिग्री एंड हाफ ओके दिस द इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन और यहां पे जो टाइम है वो है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ये है फाइव एंड हाफ आवर्स मोर देन ग्रीन विच मेन टाइम ओके इस स्लाइड में ये पूरा दिखाया गया है देन द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इज टेकन फ्रॉम बीच ऑफ द फॉलोइंग सिटी किस सिटी से लिया जाता है इंडियन स्टैंड टाइम ओके इट इज द अलाहाबाद हाउ मैनी आवर्स ऑफ टाइम डिफरेंस विल बी दियर बिटवीन द मोस्ट वेस्टर्न विज ऑफ गुजरात एंड द मोस्ट ईस्टर्न विज ऑफ अरुणाचल प्रदेश सो कितना टाइम का डिफरेंस है बिटवीन जो वेस्टर्न विलेज ऑफ गुजरात और ईस्टर्न मोस्ट विलेज ऑफ अरुणाचल प्रदेश कितना है वो इट इज ऑलमोस्ट टू आवर्स ओके ऑलमोस्ट टू आवर्स जो यहां गुजरात में ओके okay, अभी अरुणाचल में फॉर एग्जाम्पल अगर सात बजे होंगे ठीक है और यहां पर अभी जो टाइम होगा वो अभी पांच ही बजे होगा ओके okay? सो so, अगर यहां पर टाइम होगा अभी सात बजे और यहां पर अभी टाइम होगा पांच ही बजे सो ऑलमोस्ट टू आवर्स का डिफरेंस है ठीक है देन क्वेश्चन ऑन द बॉर्डरिंग कंट्रीज सो इसपे भी क्वेश्चन आते हैं देखिए क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट स्लाइड दिखाऊंगा बॉर्डरिंग जो बॉर्डरिंग स्टेट्स के साथ हमारी जो डिमार्केशन हुई है उस पर जो इम्पोर्टेंट स्लाइड है वो ये है देखिए चार लोग एक है जॉन रेडक्लिफ ओके दूसरा ऑथर मैकमोहन तीसरा हेनरी दुरंद और तीसरा मिस्टर रेडोलिफ रेडोलिफ ओके ये चार इंपॉर्टेंट पर्सन हैं दैट प्लेड द इंपॉर्टेंट रोल इन डिमार्केटिंग द इंटरनेशनल बाउंड्री ऑफ इंडिया ओके okay. देखिए मैं आपको पहले दिखाता हूं ये है रेड क्लिफ लाइन सॉरी ये है ये वाली जो है अफगानिस्तान के साथ ये वाली इट इज कॉल्ड दुरंद लाइन ये जब इंडिपेंडेंस से पहले ये अफगानिस्तान के साथ ये बॉर्डर लाइन खींची गई है और इट वॉज ड्रॉन बाय हैनरी दुरंद, सो इसको बोलते हैं दुरंद लाइन ओके उसके बाद जब पार्टीशन ऑफ इंडिया हुआ ठीक है सो so, पाकिस्तान के साथ पाकिस्तान में ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान है ठीक है सो so, जो ये बॉर्डर है इट इज कॉल्ड रेड क्लिफ लाइन यहाँ पे देख लीजिए बांग्लादेश ओके इट वॉज द ईस्ट पाकिस्तान और यहाँ पे पाकिस्तान में पंजाब के पास आप देख लीजिएगा इट इज द ईस्ट वेस्ट पाकिस्तान सो इस लाइन को बोलते हैं रेड क्लिफ लाइन ओके और जो चाइना के साथ है दैट इज इन द नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में है दैट इज कॉल्ड मैकमोहन लाइन ओके और जो नेपाल के साथ लाइन ड्रॉ की है उसको बोलते हैं रेडिलिफ ओके सो इनके जो नाम है जिन्होंने ये ड्रॉ किए हैं उसी पे लाइंस का भी नाम है ओके सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट फोर पर्सन दैट प्लेड इंपॉर्टेंट रोल इन मार्केटिंग द इंटरनेशनल बाउंड्री ऑफ इंडिया जॉन रेड रिगार्डिंग विद पाकिस्तान ओके ऑथर मैकमोहन विथ द चाइना हेनरी दुरंध विध द अफगानिस्तान एंड मिस्टर रोडिलिफ विध द नेपाल ओके देखिये अब क्वेश्चन क्या है डेमोक्रेटिक द इंडियन बाउंड्री विथ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री सो द आंसर इज अफगानिस्तान ये मैंने आपको बताया अब ये ईजी हो जाएगा आपको ठीक है वट इज द रेड क्लिफ लाइन रेड क्लिफ लाइन इज द बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान ओके सो

ये जो है ये यहाँ पे जो डिस्टेंसिस दी है इट इज द बॉर्डर्स विद द नेबरिंग कंट्रीज तो सबसे ज्यादा है 4096.7 किलोमीटर इट इज विद द बांग्लादेश ओके बांग्लादेश के साथ जो हमारा बॉर्डर है इट इज अंडुलेटिंग बॉर्डर ऐसा बॉर्डर है ठीक है सो so इसीलिए ये बहुत सारी डिस्टेंस बनती है ठीक है उसके बाद जो सेकंड नंबर पे है जो हमारा बॉर्डर है दैट इज विद द चाइना ओके चाइना के साथ दो जगह आता है ठीक है एक यहां लद्दाख में आप देख रहे हो और यहां पे हिमाचल ठीक है और उत्तराखंड और दूसरा नॉर्थ ईस्ट में ठीक है उसके बाद पाकिस्तान के साथ ये पूरा वेस्टर्न बॉर्डर है ठीक है इट इज विद द पाकिस्तान ये तीसरे नंबर पे है ठीक है और उसके बाद आता है नेपाल के साथ ओके देन विद द बर्मा म्यांमार के साथ उसके बाद भूटान के साथ और सबसे कम जो बॉर्डर है हमारा वो है यहां पे अफगानिस्तान के साथ ठीक है सो हमारा बॉर्डर अफगानिस्तान के साथ भी मिलता है और ये सबसे कम है 106 किलोमीटर किलोमीटर्स ओके तो सबसे ज्यादा आप याद रख लीजिएगा विद बांग्लादेश ओके अब और क्वेश्चन है इस पे जैसे पाकिस्तान के साथ कौन कौन सी स्टेट मिलती है ओके पाकिस्तान बॉर्डर के पास तो इसके जे एंड के हैं ठीक है थीके? पंजाब है राजस्थान है और गुजरात है ठीक है ऐसे ही चाइना के साथ कौन कौन सा स्टेट मिलता है ठीक है सो so, इसपे ये आपका होमवर्क है आप ये देख लीजिए खुद ही नेपाल के साथ कौन सा जो हमारी स्टेट है वो मिलती हैं म्यांमार के साथ कौन सी हैं ओके okay, पाकिस्तान के साथ कौन सी हैं और अफगानिस्तान के साथ सिर्फ जे के हैं ठीक है सो so, इसपे भी क्वेश्चन आते हैं ये आपका होमवर्क है ये आप खुद कर लीजिएगा ओके सो विद दिस हमारा जो पहला वीडियो है एमसीक्यूज ऑन इंडिया लोकेशन एंड साइज वो कंप्लीट हुआ इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे ओके सो थैंक्स फॉर वॉचिंग डू लाइक डू शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल ओके सो अगर आपको कुछ भी पूछना है आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं